इंडियन रेलवे का 7200 आज़ाद लोकोमोटिव है। यह 1947 का बना हुआ है। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का ये एक एग्जांपल होता है, जिसमें हम फ्यूल को सिलेंडर के आउटसाइड जलाते हैं और इस इसके ऊपर पूरा बॉयलर होता है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है। इस हीट से वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्टीम को हम इसके ऑप्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। उस स्टीम को हम रेगुलेटर के द्वारा सिलेंडर्स में भेजते हैं। सिलेंडर्स में कटे हुए ग्रूव की वजह से इसको ताल मिलती है, जिससे गाड़ी आगे पीछे ऑन होती है। ये हमारे पास इसमें ब्रेकिंग के लिए वैक्यूम ब्रेक असेंबली है, ये स्टीम ब्रेक हैं अकेले लोकोमोटिव में ब्रेक लगाने के लिए, ये एयर ब्रेक सिस्टम है। एयर ब्रेक जो मॉडिफिकेशन है, आजकल इसमें ज़्यादातर हमारे कोशिश हैं वो एयर ब्रेक के हैं, तो ब्रेकिंग के लिए हम एयर ब्रेक यूज करते हैं। भाई साहब का ये इसका रिवर्सर है, इसको हम फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में टाइप करते हैं। जब बॉयलर का पानी हमारे पास कम हो जाता है, तो हम मैकेनिकल अरेंजमेंट के द्वारा पानी पीछे जो टेंडर में है वो पानी बॉयलर के अंदर फिर दोबारा भर लेते हैं, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। यही साइकिल बार बार चलता रहता है और गाड़ी हमारी चलती रहती है। पुराने समय में भी एयर ब्रेक लगते थे।